हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताया कि मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से आप सभी को बताया था कि आज मैं CBSE ऑफिस गया था और आप सभी के जितने भी डाउट है, चाहे वो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी से हों, रिजल्ट संबंधित हों, री एग्जाम से संबंधित हों, एडमिट कार्ड से संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर हम री एग्ज़ाम ना दें तो क्या होगा, क्या हम फेल हो जाएंगे, क्या हमारे पेपर में एब्सेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। यानी इस वीडियो में जितने भी आप सभी के डाउट हैं वो डाउट पूरी तरह से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, और सबसे आपको उत्तर दूंगा जो उन्होंने मुझसे कहा है दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों इसे लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला डाउट जो बच्चों का है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि कई दिनों से बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि सर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का रिजल्ट 16 अगस्त तक आने वाला था बट अभी तक नहीं आया, कब आएगा। तो दोस्तों मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि डिस्प्यूट दो प्रकार के थे। पहला नंबर का डिस्प्यूट वो था जो स्कूल लेवल तक ही सोल्व कर लिया गया है, यानी वो डिस्प्यूट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को नहीं गया है, यानी उन बच्चों के रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं पाई गई, ना ही कोई त्रुटि पाई गई, जिसे स्कूल लेवल तक ही सोल्व कर दिया गया है और स्कूल ने उन बच्चों को मैसेज और मेल कर दिया है, ये उनका कहना था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जिन बच्चे क्या आप में से किसी के भी स्कूल से कोई मेल आया है डिस्प्यूट संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके अलावा टाइप नंबर टू वो डिस्प्यूट जिसमें कुछ खामियां पाई गई, कुछ त्रुटियां पाई गई, तो वो त्रुटियाँ लेकर स्कूल के प्रिंसिपल दोस्तों RO ऑफिस गए और RO ऑफिस में वो सारी जाँच पर रखी गई और वो अब कहाँ है, वो रिजल्ट आपका है डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के पास और उस रिजल्ट के दोस्तों जो प्रोसेसिंग चल रही है 2 या 3 दिन के अंदर दोस्तों आपके रिजल्ट आ जाएगा। उनका कहना था कि 3 दिन यानी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं आपके डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के रिजल्ट को आने में, और इसके लिए दोस्तों आपको CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी होगी, उन्होंने ऐसा कहा है। अब यहाँ पर क्या 3 से 4 दिन में आ जाएगा दोस्तों, देखो CBSE की कथनी और करनी बिल्कुल अंतर दोस्तों, हो सकता है 3 से 4 दिन से पहले भी आ जाए और 3-4 दिन बाद भी आ सकता है दोस्तों। तो ये पहला डाउट जो बच्चों लगातार पूछ रहे थे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का रिजल्ट कब आएगा, आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो चुका है। दूसरा डाउट जो बच्चों का था कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होंगे री एग्ज़ाम के, तो दोस्तों एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, उन्होंने कहा कि इसको जिन भी स्कूल में सेंटर पढ़ना है उन स्कूलों को इसकी जानकारी दे दी गई है, वहां पर री एग्ज़ाम संबंधित जितनी भी तैयारियां वो तैयारी की जा रही हैं, ठीक है। अब जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड दोस्तों कल परसों तक, उन्होंने कहा कि 2 दिन यानी 48 आवर्स के अंदर अंदर आप सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और इसकी जानकारी भी CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा है। यानी 48 घंटे तक का वेट कर लीजिए, हो सकता है उससे पहले भी आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तीसरा डाउट था बच्चों का कि सर हमारा जो री एग्ज़ाम है वो हमारे स्कूल में होंगे या बाहर होंगे, दोस्तों उनका कहना था कि जो री एग्ज़ाम है वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन यानी कोरोना की सिचुएशन पर, यदि आपके इलाके में कोरोना की स्थिति ठीक ठाक रहेगी तो हो सकता है आपका री एग्ज़ाम आपके होम सेंटर पर ही हो जाए, और यदि कोरोना की स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो आपका री एग्ज़ाम किसी और क्षेत्र में जा सकता है। तो ये है डिस्प्यूट सॉरी री एग्ज़ाम के सेंटर समेन डाउट, आई थिंक ये भी डाउट आपके पूरी तरह से क्लियर होंगे दोस्तों। जो भी डाउट जिन बच्चों का दोस्तों क्लियर हो जाए तो जरूर एक थम्स अप और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तीसरा डाउट था बच्चों का सर क्या अगर अगर हम री एग्जाम के फॉर्म भर चुके हैं और अगर हम री एग्जाम ना दें तो क्या हमारे रिजल्ट में एब्सेंट लगेगा और क्या हमारा पहले वाला ही रिजल्ट रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने घुमावदार आंसर दिया है, उन्होंने कहा कि अगर जिन बच्चों ने री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो उन्हें री एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए, उनका कहना था, क्योंकि एब्सेंट लगेगा या नहीं लगेगा, आपके रिजल्ट पहले वाले रहेंगे, ये उन्होंने भी इसकी सही जानकारी नहीं दी है। तो उनका कहना था कि बच्चे री एग्ज़ाम के लिए ज़रूर जाए जिन्होंने री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया है। क्लियर। पांचवा डाउट था बच्चों का कि सर क्या डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी हमारे नंबर बढ़ाएगी, तो दोस्तों उनका कहना था जी 100% अगर आपका डिस्प्यूट कमेटी ने कमियां पाई हैं, आपके रिजल्ट में त्रुटि पाई है, तो आपका रिजल्ट 100% बढ़ने वाला है, 15 से 20% के ग्रेस मार्क यानी 15 से 20% तक आपके रिजल्ट बढ़ सकते हैं, ये उनका कहना था दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बहुत से बच्चों का ये भी प्रश्न था कि सर
हमारा डिस्प्यूट, अगर हमारा डिस्प्यूट में नंबर बढ़ जाते हैं तो हम अगर री एग्ज़ाम ना दें तो क्या हमारा जो डिस्प्यूट में नंबर बढ़ा हुआ रहेगा वही रहेगा? तो दोस्तों जो आपके डिस्प्यूट में नंबर बढ़े रहेंगे वही रहेंगे यदि आप री एग्ज़ाम ना दें, तो ये उनका कहना था। बट इसको लेकर भी वो कन्फ्यूजन में थी, सही प्रकार से जवाब उन्होंने नहीं दिया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि एग्ज़ाम दे या ना दे। अगर हमने एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है तो एग्ज़ाम देना चाहिए, ये मेरी पर्सनली राय है दोस्तों। क्योंकि अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं हैं और आपको लगता है कि आप सही प्रकार से अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो इसलिए ही आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे का जेई मेंस का एग्ज़ाम भी है और मैथ का पेपर भी है एक दिन के पीछे, तो ऐसे में क्या डेट शीट चेंज हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डेट शीट जो आ चुकी वही रहेगी। उन्होंने कहा कि जो वो आपको डिसीजन लेना है कि आपको जेई मेंस का पेपर देना है या मैथ का पेपर देना है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों वो आप भली भांति प्रकार से जानते हो कि आपके लिए मैटर क्या करता है। यदि आपके नंबर अच्छे हैं मैथ में तो आप जेई मेंस का दे दीजिए, अगर नंबर कम है तो बिल्कुल आप री एग्ज़ाम दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा बहुत से बच्चे पूछ रहे थे अगर ड्रेस पहन के जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, तो बिल्कुल 100% आपको ड्रेस पहन के जाना है, क्योंकि विदाउट ड्रेस तो आप विद्यार्थी लगेंगे नहीं। तो अपना स्कूल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी आधार पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम में जो क्लासेस में रहें, क्लास में 10 से 12 बच्चे ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, आपको री एग्ज़ाम से पहले NOC भी लेकर जानी होगी, वो एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको मिल जाएगी दोस्तों, वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे? तो नहीं, एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होते तो उसकी सूचना पहले आ चुकी होती। अब बहुत से बच्चों को डाउट था कि क्या सर एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं? तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उन्होंने बिल्कुल, मैंने कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल उन्होंने करारा जवाब दिया कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। CBSE ने एक बार जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। मैं उन सभी बच्चों से विनती कर रहा हूँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट तो करिए, बट इस प्रोटेस्ट की वजह से आप अपने एग्ज़ाम को ना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करें, मेहनत करें, और एक दिन सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी, और आप अपनी सफलता से लोगों को बताइए कि आप में कितने आपके अंदर कितना पोटेंशियल, आप कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके, आई थिंक आपको इस वीडियो में डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हैं तो ज़रूर वीडियो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।